हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और भाई टाइम हो चुका है 7:44, 7:44 AM। आज हम लेटेस्ट टाइम में वापस आते हैं, लेकिन आज मेरा मन नहीं था। तो ये बाबूजी हमारे आकाश चौधरी, ये इन्होंने फोन करा कि चल रहे हैं। मैंने कहा शाम को जाऊंगा कि नहीं चल रहे हैं, तो फिर मेरा मन बन गया। मैंने फिर फंडे को फोन कर दिया, ये भी रेडी हो गया भाई। तो अभी हम आज जा रहे हैं, लेट आ जाए सैटरडे। वैसे सब पार्ट्स के एक्सरसाइज हमने कर लिया है, आज सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, मतलब कि स्ट्रेंथ वाला, है ना भाई। आज आज ये है हमारा कोच फंटा, ये हमें करवाएगा मतलब कि कार्डियो, जो ये ग्राउंड में जो कबड्डी वाले करते हैं ना, मतलब फास्ट वर्कआउट वो करेंगे आज। तो भाई अभी मैं एक्साइटेड हूँ, आज फुल एनर्जी है, मजा आ रहा है वर्कआउट करने में। अब लग रहा है कि डेली डेली मतलब चीजें बढ़ी रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल बिल्ड हो रही है, फैट लॉस हो रहा है। तो हम अब नहीं रुकेंगे, है वनडे अब नहीं रुकेंगे भाई। ये देखो हमारे ब्रदर, इन्होंने भाई आज से स्टार्ट करा है, इन्होंने ये जॉब करता है, ये तो इसने जॉब को मार दिया लात, दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया ताकि टाइम मिल जाए इसको वर्कआउट करने के लिए। ये होता है पैशन, काम मतलब कि वर्कआउट करने का, ठीक है, पहले शरीर फिर दूसरी चीज। हाँ भाई, देखते हो क्या फर्क आएगा, है भाई आ जाएगा फिर दोबारा ही तो लाना है। हाँ हाँ, पहले तो ले आए कई बार, पर सही है भाई। अब भगवान बस कष्ट का ना दे कुछ भी, शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी भाई मेहनत करते रहेंगे बढ़िया। और हमारे एक ब्रदर है वो मिसिंग है, सनी भाई, उनकी अभी तबीयत ठीक चली नहीं रही है। मे बी वो मंडे से शायद रेगुलर हो जाए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही है भाई डेली, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि उनका ऑपरेशन भी हुआ था भाई डिस्क का, तो थोड़ी कमजोरी भी है। तो जब चीजें कमजोरी हो जाती है तो बीमारियां ज्यादा लगने लगती है। तो वैसे हमारे भाई देखते हैं कब से हमें ज्वाइन करेंगे, डेली कॉल कर रहे हैं भाई को, पर उसकी भाई अभी कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी कुछ और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बाकी मंडे को शायद कोशिश करेंगे उसको रेगुलर करें, आज दिखा लेंगे उसको, कल भी दिखवा देंगे, फिक्स कर देंगे उसको कि भाई चल, क्योंकि भाई उसके बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं बढ़िया बढ़िया सी, जो मतलब इन बिल्ड स्ट्रेंथ बढ़ाती है, नहीं जिम वाली की डोले सोले बढ़ा दिए ऐसी, बस फ्रेम फ्रेम अंदर से जो जान चाहिए ना वो आती है, उसको एक्सरसाइज करनी है, बताता है बढ़िया। तो वो उसका हमें साथ जरूरी है ना भाई, वनडे कोच साहब से साथ चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए भाई, ठीक है। आप ये बताओ, आप अपने भाई को क्या बोलते हो? ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे बैठो, अब मां मुझसे बात करते हो। अब आप मुझे ये बताओ, आप अपने छोटे भाई को क्या बोलते हो? गधा। क्यों गधा क्यों बोलते हो उसको? अच्छा वो क्या करता है? बस सुसु पोछी करता है, और कुछ काम नहीं है उसको। जब आप छोटे थे तो आप भी सुसु पोछी करते थे? बेटा मामू को क्या बोलते हैं? नानू गधा। क्यों बोलते हैं मामू नानू मुझे गधा? क्यों बोलते हैं? आपका नाम ही गधा है। और ये बताओ, आप अपना नाम बताओ, आपका क्या नाम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्विका। बस निर्विका। और अगर आपको मैं नदी में डाल दूं, हाँ? तो आप वापस कैसे आओगे? और अगर आपका मैं फोन आपकी मैं जो आपकी गाड़ी खड़ी है हमारे पास, हाँ? अगर मैं उसका एक टायर निकाल के बाहर फेंक दूं, तो आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी का टायर निकाल दूंगा। मेरी टायर गाड़ी का टायर आपसे उठेगा ही नहीं, आपकी गाड़ी तो छोटी है। टायर निकालने वाले को बुला दूंगी, बोल थिंक 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 क्या करोगे? और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको और आपकी मम्मी को दोनों को ना बहुत पिटाई करूंगा, फिर आप क्या करोगे? हाँ फिर आप किससे शिकायत करोगे मेरी? नानू मेरे को कुछ कहते ही नहीं है। तो क्या हो गया? वो तो मैं हूँ। गधा भी तो इंसल्ट करना होता है ना? इंसल्ट करते मामा। अच्छा चलो छोड़ो, आप ये बताओ, सीट पर रखे, आप ये बताओ, आपने होली पे सीट पर रखे हुआ है? सुनो, आपने होली पे क्यों पर आए हो आप यहाँ पे? होली पे क्या करोगे आप? किसको? मुझे? मैं आपको पिचकारी नहीं दूंगा फिर। अगर आप मेरी पिचकारी से मुझे ही गंदा करोगे तो मैं आपको पिचकारी क्यों दूंगा? मैं नानी को गंदा
अरे आप मेरी मम्मी को गंदा करोगे तो भी मैं क्यों दूंगा भाई आपको पिचकारी। बोलना मेरी तो नाम है वो, क्या तो मेरी तो नाम नहीं है वो, मेरी नानी। तो मेरी तो मम्मी है, मेरी नानी मेरी मर्जी है ना भाई, तो मेरी भी तो वो मम्मी है। क्या सोच रही है देखो। थिंक क्या करना पड़ेगा फिर। चिकलू को एबीसीडी नहीं आती क्या? चिकलू आपको एबीसीडी आती है? एक भी नहीं आती, आती है। बताओ कैसे होती है तो फिर। ओके, और आप ये बताओ अगर आपको चोर उठा के ले जाए तो आप किसको फोन मिलाओगे बताओ। थिंक। पापा। पापा, और पापा का फोन नंबर क्या है? 7885426। और अगर पापा ने फोन नहीं उठाया तो फिर किसको फोन मिलाओगे? मेरे को। क्या नंबर है फिर मेरा? 8800। और मान लो अगर आपको वहां पे फोन नहीं मिलता तो आप किसके पास जाओगे, किससे फोन मांगोगे वहां पे? किसी से भी मांग लोगे। और कैसे बोलोगे उनको? इधर देख के बोलो, थिंक करके क्या बोलोगे फिर आप उनको कि मेरे को फोन दे दो, मेरे को अपने घर पे फोन करना है। कैसे? चोरों से मत मांगियो, आदमियों से मांगियो। कोई चोरों से मांगे साला, ये तो ज्यादा तेज हो गया ना। वो बापू तो बुझा रहा। नानू कहाँ है देखो? नहीं मिले। नानू के साथ जाना है आपको? नानू कहाँ है बताओ भाई। प्रैक्टिस चल रही है दयालपुर कबड्डी टीम की। बंटी कर कुछ देख ले। भाई वाह, वीडियो बन दी सार मारती कैच है। दोबारा भाई, दोबारा कबड्डी हो रही है। कंफ्यूजन हो गई थी पॉइंट किसका है। हाथ कट्टे दे फिर ये करके पकड़ के हो जाना। कैसे लगी? मारे ऊपर बैठ ऊपर आ जा।
आजा दिखाई क्यों है दिखाई भाई भाई कबड्डी ऐसी नहीं खेली जाती, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। लड़के ने चोट लगी थी, फिर उसके बाद भी दोबारा कैच मारी है। भाई कबड्डी की प्रैक्टिस करने के बाद मेहनत भरे नहीं भाई होनी, गर्राता रहा होगा मोटा सा, आपके समझ भाई दिख रहे थे। तू भी कर ले कुछ, ये बन गया बॉडी बिल्डर। कितना और चल रहा दिखाई, और कितना कट गया तेरा। ओ भाई ये छोटी मोटी चीज जाए रोज लगूंगी। अच्छा जी, चल ठीक है भाई। सनी ने कर दिया मेहनत शुरू इंजरी के बाद। नहीं कमर पर जोर नहीं आ रहा इसे, अंधा गुड गर्रा तो रहे आप क्या, तू तीन नजर न लग जा बस। हाँ हूँ गन्ना आना ही गाइस, कबड्डी दिखाने के बाद अब आए हैं 15 सेक्टर कबड्डी आपको दिखाई दिए, लोग कबड्डी प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आए हूँ। ये रहा मोमोज, ये रही कोल्ड ड्रिंक, भाई वेट कर रहा है अंकित वहाँ पे, और ये रहा 15 सेक्टर। मन नहीं लग रहा था, मन कर रहा थोड़ा घूमाते हैं तो इसलिए घूमने के लिए इधर आ गए। भाई गाड़ी में ही हमारा वेट कर रहे हैं। ये रही भाई 15 सेक्टर की मार्केट, आप भी कहोगे रोज 15 ही रहता है। ये रे भाई मोमोज, अफगानी मोमोज हैं, देखना अंकित के लेके आया हूँ। जी फ्रेंड्स, तो बस आज यही सब दिखाया था आपको, जो भी दिखाया था। सुबह जिम गए थे, फिर वो भांजी को लिया था, छोटी सी प्यारी सी थी जो प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। फिर उसके बाद मैं ग्राउंड में गया था, सनी वगैरह कबड्डी खेल रहे थे, वो दिखाया था मैंने आपको। फिर उसके बाद मैं और अंकित गए थे फरीदाबाद सेक्टर 15 कुछ खाने के लिए। मन नहीं लग रहा था शाम को, मन करा थोड़ी देर घूमाते हैं, तो फिर ऐसे ही घूम ही आए थे। तो मैंने उस मोमोज ले ली थे अंकित ने, और मैंने एक कोल्ड ड्रिंक, जो छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक थी वो मेरी थी। तब मैंने भी थोड़ा चीट कर दिया, वैसे मैं काफ़ी दिन से वैसे कुछ ऐसा बाहर का खा पी नहीं रहा हूँ, जिम वगैरह कर रहा हूँ इसलिए। तो बस यही सब था आज, अब मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।